सो अस्सलाम वालेकुम टीम सर। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं बड़े भैया? ठीक ठाक अल्लाह का शुक्र, आप सब भी खैरियत से हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। सो गाइस ये है टीम स्टार, हमारे साथ मौजूद है स्टार एनोनिमस, स्टार जायरो मौजूद रहेंगे, स्टार एमके मौजूद रहेंगे, स्टार गॉड फ्यूरी भी मौजूद रहेंगे। सो सबसे पहले एनोनिमस आपसे ही क्वेश्चन है कि टीम स्टार कैसे बनी, किस तरह स्टार्टअप हुआ, क्या था, कौन मिला सबसे पहले, ये टीम स्टार का मतलब ओरिजिन क्या था? अभी जो हम तीन बॉयज हैं उनमें सबसे पुराना जो है वो जायरोग है, उसके बाद एमके, उसके बाद फ्यूरी है। लाइक शुरू में मैं नहीं था इनकी टीम में, उसके बाद मैं भी बस टाइम के साथ से इन्होंने बोल बोल के मुझे भी ज्वाइन करवा लिया। कि आपकी इस टाइम एज क्या है? मेरी भाई 22 है इस टाइम एज। जब कम्पिटिटिव खेलते थे तब क्या एज थी? मैं कभी ज्वाइन किया फिर छोड़ दिया फिर क्योंकि मुझे सीरियसली याद पड़ता है एनोनिमस के, मुझे ऐसा लग, बेशक मैं आपसे बड़ा हूं लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं बचपन में देखा करता था एनोनिमस की टीम है कम्पिटिटिव खेल रही है, इतना लंबे गैप की वजह। थी आईफोन 7 प्लस और उस पर गेम इतनी अच्छी चलती थी जब मैं कॉम्पेटिटिव खेला करता था, लेकिन फिर बस मुझे थोड़ा यूट्यूब पे फोकस करना था और फिर इस पर बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ता है, जिससे लाइक मेरी पर्सनल लाइफ और आइस वगैरह का इशू था, तो फिर मैंने गैप ले लिया था काफी बड़ा और अब दोबारा से कम बैक किया है। सो स्टार एमके से मैं पूछना चाहूंगा कि आपका टीम में रोल क्या है, एज एन एंट्री फ्रैगर, आईजीएल, क्या रोल है? और अली भाई मेरा रोल है सपोर्टर का और टीम के लिए सपोर्ट का मतलब रोल करता हूँ। और पहले तो लाइक मैं था नहीं टीम में, बीच में मैं दूसरी टीम में था, लेकिन फिर अभी जो रिसेंटली हमने एक दोबारा टीम बनाई तो स्टार की लाइनअप चेंज हुई, तो बाद में आया मैं दोबारा और लाइक अभी सपोर्टर का रोल है मेरा। स्टार जायरो से बात करते हैं, जायरो आप बताइए आपका टीम में क्या रोल है और आप व्यूअर्स को अपना असल नाम भी बताइए। जी अली भाई, मेरा असल नाम नुमान है, इन गेम नेम मेरा स्टार जायरोग है और मैं एज अ असॉल्टर खेलता हूँ गेम टीम के लिए। तो एज एन असॉल्टर मोस्टली मे बी आपको ही रश करना पड़ता होगा जायरो? नहीं, मैं असॉल्टर हूँ, एंट्री असॉल्टर गॉड फ्यूरी है, तो हम दोनों ही मतलब साथ साथ होते हैं। अच्छा, तो ऐसा ये कहना गलत नहीं होगा कि आप गॉड फ्यूरी के कंधे पर रख के बंदूक चलाते हैं और वो किल चुराते हैं? वही है। गॉड फ्यूरी से बात करना चाहूंगा, सो गॉड फ्यूरी आपका ऑलरेडी रोल तो पता लग चुका है, तो व्यूअर्स को प्लीज अपना असल नाम भी बताएं और ये बताएं कि जब आपको बैकएंड से कवर नहीं मिलता और आपको एंट्री की कॉल दी जाती है तो सबसे ज्यादा गुस्सा किस पे चढ़ता है, जिसने कॉल दी है, आईजीएल को शिकायत लगाई जाती है या खुद ही लड़ाई की जाती है, वो क्या सीन है? अली भाई मेरा असल नाम अदिल नवाज है और गेम नेम स्टार एक्स गॉड फ्यूरी। बस यही होता है कि जब गुस्से की कॉल होती है कहीं पे भी तो ज्यादा गुस्सा उसी बंदे पे आता है कि जो कवर नहीं दे रहा होता, सपोर्टर जिस तरह एमके हो गया तो ज्यादा वो सब बंदे को भी आते हैं, क्योंकि कॉल तो फिर आईजीएल की कॉल सुननी पड़ती है, वो फिर चाहे गलत हो सही हो उस पे हम लोग नहीं कर सकते कुछ भी। क्या एनोनिमस को मैंने अभी तक जितना मैंने ऑब्जर्व किया है, लाइक ऑब्वियसली हर एक का अपना पॉइंट व्यू होता है, तो मैंने जितना ऑब्जर्व किया है कि लाइक वो बहुत ज्यादा काम रहने वाली शख्सियत है, मतलब बहुत आराम से एक चीज को तरीके से लेकर चलने वाले, तो उन इस चीज का क्रेडिट जो क्लैन में या टीम में अमन रहता है थ्रू आउट द मैच, इसका क्रेडिट उस एनोनिमस को जाता है या नहीं? बिल्कुल जाता है भाई, बिल्कुल नहीं है तो जी है। तो ये उन्हीं की वजह से। सो टीम के आईजीएल से पूछते हैं कुछ सवाल आपसे रिलेटेड, ठीक है? ओके, सो एनोनिमस मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूं, टीम में सबसे बुरी गाड़ी कौन चलाता है जिसके साथ बैठ के ये फीलिंग आती हो कि भाई मैं तो मर गया? जाहिर हो गया भाई, ये सबसे पीछे ये बंदा आ रहा होता है, पूरा पूरा स्क्वाड हमारा आगे चला जाएगा और ये भाई साहब अभी लूट कर रहे होंगे ड्रॉप पे okay. चलती नहीं है गाड़ी। आपने लूट का जिक्र साथ ही कर दिया, ये मेरा वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन था कि शुरू से लेके एंड तक लूट के लिए कौन रोता रहता है, तो ऑब्वियसली जो सबसे ज्यादा लूट कर रहा है फिर वही रोता होगा ये हमारे जायरोग भाई हैं, ये बहुत लूट करते हैं नॉर्मली किल्स के लिए जाने का सबका दिल होता है, लेकिन एक प्लेयर होता है हर स्क्वाड में जो लूट के लिए रोता है। अच्छा, टीम में ऐसे प्लेयर का नाम बताएं जिसपे आप लाइक, ये चारों आंसर कर सकते हो ठीक है, जिस पे आपको सबसे ज्यादा भरोसा रहता है अगर वो सोलो भी रह चुका है ना तो यार ये कुछ ना कुछ कर देगा, वो प्लेयर कौन है? मेरी तरफ से तो मुबीन भाई हैं और फ्यूरी। सेम मुबीन भाई, मैं कहूंगा तो लाइक फ्यूरी है जिस पे लाइक मुझे बहुत ट्रस्ट रहता है, ये बंदा है तो मतलब मुझे आइजलिंग करने में बहुत लाइक इजी हो जाता है मेरे लिए, ये समझाता है जहां पे गलत होता हूँ, बाकी ये बंदा
ना वो टीम में तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग परफॉर्म कर पाए। तो जायरो ने नहीं बोला, मेरे ख्याल से जायरो को वो खुद ही लग गए मुझे होंगे। भी अदील और एनोनिमस इन दोनों पे था। नहीं नॉर्मली जो बोलता है ना वो अपना नाम एक्सपेक्ट कर रहा होता था, जब उसके नाम नहीं रहता इनको क्या पता मैं ही हूँ। मुझे इस टाइम जायरो से वो वाली फीलिंग आई है। नहीं, जो के झूठ भी बोल देगा बीच में मरते वक्त, अबे वो 1 HP है, वो कौन है? ये मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ये मैं भी हूँ और बाकी 3 भी हैं, ये हम सभी करते हैं। कि बहुत लो था, मतलब हाँ जब तक मैच खत्म नहीं होगा अपनी स्टोरीज सुनाएंगे, भाई इतना लो किया था, नेट किया था, रश करना चाहिए था, ये जब तक मैच खत्म नहीं होता हम सभी करते हैं। सो अनोनिमस एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा, ये शायरी का शौक भी है, इंटेंशनली सस्ती शायरी बनाई जाती है, या शायरी का शौक है तो वो कोई शेर बनता नहीं उस लेवल का तो फिर उसका नाम रख दिया सस्ती शायरी, वो नहीं लाइक इसके। चले मैं आपको बताता हूँ, मुझे रियल लाइफ में है बहुत शौक है शायरी का, लेकिन लाइक जो मैं पर्सनली दिल से बनाता हूँ ना वो मुझे पब्लिकली दिखाने को अच्छा नहीं लगता। लाइक जो आपकी शायरी होती है ना, एक शायर समझ सकता है, वो कह सकते हैं लाइक सुनने में काफी अजीब लगेगा, बट वो आपकी औलाद की तरह होती है या आपका खजाना होता है, अगर वो किसी और को दिखाई दिया जाए पब्लिक। लाइक मेरी चीज आप उठा के यूज करेंगे ना, कंटेंट हो गया कुछ भी, शायरी भी इसी टाइप की है, इंसान को बुरा लगता है। तो फिर वो मैं थोड़ा सा निकाला क्रिएटिव चीज कि मैं अगर लाइक 2 लाइनें ऐसी बना के लोगों को सुना दूं कि उनको अच्छा लगे, तो फिर मैंने उसका नाम सस्ती शायरी रखा था आज से काफी टाइम पहले, और वो लोगों को बहुत पसंद आती है। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, लाइक सस्ती शायरी सबसे पहले आपकी ही की तरफ से निकालेगी और हम बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं, लेकिन जिस तरह आपने बोला कि अगर कंटेंट कॉपी किया जाए तो वो अच्छा नहीं लगता, किसी को बुरा लगता, तो आपको नहीं लगता कि साइलेंट गर्ल वो जो बाबा जी सियालकोट है उसने आपकी शायरी कॉपी की है? क्योंकि नहीं, वो बहुत भी सस्ती सी शायरी टिकटॉक करते पे हुए मैंने जो बहुत देखी है, उसमें भी बहुत ज्यादा लोग देखे हैं टिकटॉक पे, लाइक उन्होंने नाम भी दे दिया सस्ती शायरी, लेकिन हाँ प्राउड फील होता है, दुख नहीं होता, प्राउड फील होता है कि लाइक मेरी चीज फॉलो की जा रही है। ओवरऑल ये टीम स्टार अभी तक पीसीबी के अंदर हमें लाइक क्वालिफाई करते हुए नजर आ रही है सेमीफाइनल्स की तरफ, ठीक है अभी तक तो पोजीशन सिक्योर है, और जिस तरह के इन्होंने बताया भी, हमने भी देखा, व्यूअर्स ने भी देखा कि आईजीएल उनके साथ नहीं थे, आप नहीं थे, आप बीजी थे, लाहौर गए हुए थे, तो अभी आप आ चुके हैं वापस, तो डेफिनेटली हमें शायद चेंज देखने को मिलेगा। आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लाइक अभी पोजीशन सिक्योर है, 4 टीम्स आपके नीचे हैं जो और क्वालिफाई कर जाएंगी, तो पोजीशन आपकी बेहतरी की तरफ जाती हुई नजर आ सकती है? इंशाल्लाह इंशाल्लाह सुमुख भाई, लाइक हम लोग इजीली इंशाल्लाह क्वालिफाई करेंगे सेमीफाइनल के लिए, क्योंकि जो टीम है ना ये लाइक अभी आपने इंटरव्यू लिया, हमने थोड़े जोक्स वगैरह मारे, लेकिन ये जो टीम है बेस्ट टीम है मैं कहूँगा हमारी, जो आज तक मेरी रही है, लाइक मैं अपनी टीम की बात कर रहा हूँ, प्रीवियस जो मेरे मेरा स्क्वाड था और अब जो है, जी जी ये बेस्ट लें, बेस्ट लोग